बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अबू जनाद ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन हमजा बिन उमर वाला सलमा ने और उनसे उनके वालिद हमजा ने कि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु अपने अहद खिलाफत में उन्हें ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। जहाँ वो ज़कात वसूल कर रहे थे, वहाँ के एक शख्स ने अपनी बीवी की बांदी से हम बिस्तरी कर ली। हमज़ा ने उसकी एक शख्स से पहले ज़मानत ली, यहाँ तक कि वो उमर रदियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उस शख्स को 100 कोड़ों की सज़ा दी थी। उस आदमी ने जो जुर्म उस पर लगा था, इसको कबूल किया था, लेकिन जहालत का उज़्र किया था। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उसको माजूर रखा था। और जरीर और अशअस ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से मुर्तिदों के बारे में कहा कि इनसे तौबा कराइए और इनकी ज़मानत तलब कीजिए कि दोबारा मुर्तिद न होंगे। चुनाचा उन्होंने तौबा कर ली और ज़मानत खुद उन्हीं के कबीले वालों ने दे दी। हम्माद ने कहा, जिसका हाजिर जामिन हो, अगर वो मर जाए तो जामिन पर कुछ तावान न होगा, लेकिन हकम ने कहा कि ज़िम्मे का माल देना पड़ेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2290। लैस ने बयान किया, उनसे जाफ़र बिन रबिया ने, उनसे अब्दुर्रहमान बिन हरमज़ ने और उनसे अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि उन्होंने बनी इसराइल के एक दूसरे आदमी से 1000 दिनार कर्ज मांगे। उन्होंने कहा कि पहले ऐसे गवाह ला जिनकी गवाही पर मुझे एतबार हो। कर्ज मांगने वाला बोला कि गवाह तो बस अल्लाह ही काफ़ी है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा कोई जामिन ला। कर्ज मांगने वाला बोला कि जामिन भी अल्लाह ही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि तूने सच्ची बात कही। चुनाचा उसने एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए उसको कर्ज दे दिया। ये साहब कर्ज लेकर दरियाई सफ़र पर रवाना हुए और फिर अपनी ज़रूरत पूरी करके किसी सवारी कश्ती वगैरह की तलाश की ताकि उससे दरिया पार करके उस मुकर्ररा मुद्दत तक कर्ज देने वाले के पास पहुँच सके जो उससे तेपाई थी और उसका कर्ज अदा कर दे। लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। आखिर उसने एक लकड़ी ली और उसमें सुराख किया, फिर 1000 दिनार और एक उस मजमून का ख़त कि उसकी तरफ से कर्ज देने वाले की तरफ ये दीनार भेजे जा रहे हैं, और उसका मुँह बंद कर दिया और उसे दरिया पर ले आए। फिर कहा, ए अल्लाह, तू खूब जानता है कि मैंने फ़लां शख्स से 1000 दिनार कर्ज लिए थे। उसने मुझसे जामिन मांगा तो मैंने कह दिया था कि मेरा जामिन अल्लाह ताला काफ़ी है, और वो भी तुझ पर राज़ी हुआ। उसने मुझसे गवाह मांगा तो उसका भी जवाब मैंने यही दिया कि अल्लाह पाक गवाह काफ़ी है, तो वो मुझ पर राज़ी हो गया। और तू जानता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिले जिसके ज़रिए मैं उसका कर्ज़ उस तक मुद्दत मुकर्ररा में पहुंचा सकूं, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं हुई। इसलिए अब मैं इसको तेरे ही हवाले करता हूँ कि तू उस तक पहुँचा दे। चुनाचा उसने वो लकड़ी जिसमें रकम थी दरिया में बहा दी। अब वो दरिया में थी और वो साहिब कर्जदार वापस हो चुके थे। अगरचा फ़िक्र अब भी यही था कि किसी तरह कोई जहाज़ मिले जिसके ज़रिए वो अपने शहर में जा सकें। दूसरी तरफ वो साहब जिन्होंने कर्ज दिया था, इसी तलाश में बंदरगाह आए कि मुमकिन है कोई जहाज़ उनका माल लेकर आया हो, लेकिन वहाँ उन्हें एक लकड़ी मिली, वही जिसमें माल था। उन्होंने वो लकड़ी अपने घर के ईंधन के लिए ली, लेकिन जब उसे चीरा तो उसमें से दीनार निकले और एक ख़त भी निकला। कुछ दिनों के बाद जब वो साहब अपने शहर आए तो कर्ज खाह के घर आए और ये ख्याल करके कि शायद वो लकड़ी ना मिल सकी हो, दोबारा 1000 दिनार उनकी खिदमत में पेश कर दिए और कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तो बराबर इसी कोशिश में रहा कि कोई जहाज़ मिले तो तुम्हारे पास तुम्हारा माल लेकर पहुँचूँ, लेकिन उस दिन से पहले जब कि मैं यहाँ पहुँचने के लिए सवार हुआ, मुझे अपनी कोशिशों में कामयाबी नहीं हुई। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि कोई चीज़ कभी तुमने मेरे नाम भेजी थी? मकरूज़ ने जवाब दिया, बता तो रहा हूँ आपको कि कोई जहाज़ मुझे उस जहाज़ से पहले नहीं मिला जिससे मैं आज पहुँचा हूँ। इस पर कर्ज़ ख़ां ने कहा कि फिर अल्लाह ने भी आपका वो कर्ज़ अदा कर दिया जिसे आपने लकड़ी में भेजा था। चुनाचा वो साहब अपना 1000 दीनार लेकर खुश खुश वापस लौट गए। सही बुखारी हदीस नंबर 2291। अबू उसामा ने बयान किया, उनसे इदरीस ने, उनसे तलहा बिन मसरफ़ ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने कि कुरान मजीद की आयत लिकुल्लिन जालना मवालिया के मुतालिक इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मवाली के माने विरसे के हैं। वल्लदीना औक़दत ईमानकुम का क़िस्सा ये है कि महाजरीन जब मदीना आए तो महाजिर अंसार का तिरका पाते थे और अंसारी के नातादारों को कुछ ना मिलता। इस भाई पने की वजह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम हुई थी। फिर जब आयत वलिकुल्ले जालना मवालिया नाजिल हुई तो पहली आयत वल्लदीना औक़दत ईमानकुम मनसूख हो गई, सिवा इमदाद, ताउन और खैरख्वाही के। अलबत्ता मीरास का हुक्म जो अंसार और महाजरीन के दरमियान मुआखात की वजह से था वो मनसूख हो गया, और वसीयत जितनी चाहे की जा सकती है, जैसी और शख्सों के लिए भी हो सकती है। तिहाई तर्के में से वसीयत की जा सकती है जिसका निफाज किया जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2292। इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे हमीद ने और उनसे अनस रदी अल्लाह अन्हु ने कि जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु हमारे यहाँ आए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भाईचारा साद बिन रबी रदी अल्लाह अन्हु से कराया था। सही बुखारी हदीस नंबर 2293। आसिम बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस रदी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या आपको ये बात मालूम नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इस्लाम में जाहिलियत वाले गलत किस्म के अहद व पैमान नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अंसार और कुरैश के दरमियान मेरे घर में अहद व पैमान कराया था। सही बुखारी हदीस नंबर 2294। अबू आसिम ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी उबैद ने, उनसे सलमा बिन अकूर रदी अल्लाह अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ नमाज पढ़ने के लिए किसी का जनाजा आया। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या इस मैयत पर किसी का कर्ज था? लोगों ने कहा कि नहीं। आपने उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। फिर एक और जनाजा आया। आपने दरियाफ्त फरमाया, मैयत पर किसी का कर्ज था? लोगों ने कहा हाँ था। ये सुनकर आपने फरमाया कि फिर अपने साथी की तुम ही नमाज पढ़ लो। अबू कतादा रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका कर्ज मैं अदा कर दूँगा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। सही बुखारी हदीस नंबर 2295। उमरो बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने मोहम्मद बिन अली बाकर से सुना और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बहरीन से जिज़िया का माल आया तो मैं तुम्हें इस तरह दोनों लब भर भर कर दूँगा। लेकिन बहरीन से माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक नहीं आया। फिर जब उसके बाद वहाँ से माल आया तो अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने ऐलान करा दिया कि जिससे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वादा हो या आप पर किसी का कर्ज़ हो, वो हमारे यहाँ आ जाए। चुनाचा मैं हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये वो बातें फरमाई थीं, जिसे सुनकर हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने मुझे एक लब भर कर दिया। मैंने इसे शुमार किया तो वो 500 की रकम थी। फिर फरमाया कि इसकी दुगना और ले लो। सही बुखारी हदीस नंबर 2296। उर्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि मैंने जब से होश संभाला तो अपने वालिदैन को इसी दीन इस्लाम का पैरोकार पाया। और अबू सालेह सुलेमान ने बयान किया कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, उनसे यूनुस ने और उनसे ज़हरी ने बयान किया कि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी और उनसे आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि मैंने जब होश संभाला तो अपने वालिदैन को दीन इस्लाम का पैरोकार पाया। कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों वक्त तशरीफ़ न लाते हों। फिर जब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने भी हिजरत हबशा का इरादा किया। जब आप बरकुल गमात पहुँचे तो वहाँ आपकी मुलाकात कारा के सरदार मालिक बिन दोगना से हुई। उसने पूछा, अबू बकर कहाँ का इरादा है? अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उसका जवाब ये दिया कि मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया है और अब तो यही इरादा है कि अल्लाह की ज़मीन में सैर करूं और अपने रब की इबादत करता रहूं। इस पर मालिक इब्ने दगना ने कहा कि आप जैसा इंसान अपने वतन से नहीं निकल सकता और ना उसे निकाला जा सकता है कि आप तो मोहताजों के लिए कमाते हैं, सिला रहमी करते हैं, मजबूरों का बोझ अपने सर लेते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हादिसों में हक बात की मदद करते हैं। आपको मैं अमान देता हूँ, आप चलिए और अपने ही शहर में अपने रब की इबादत कीजिए। चुनाचा इब्ने दगना अपने साथ अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को ले आया और मक्का पहुँचकर कुफ़ार कुरैश के तमाम अशराफ के पास गया और उनसे कहा कि अबू बकर जैसा नेक आदमी अपने वतन से नहीं निकल सकता और ना उसे निकाला जा सकता है। क्या तुम ऐसे शख्स को भी निकाल दोगे जो मोहताजों के लिए कमाता है और जो सिला रहमी करता है और जो मजबूरों और कमज़ोरों का बोझ अपने सर पर लेता है और जो मेहमान नवाजी करता है और जो हादसों में हक बात की मदद करता है? चुनाचा कुरैश ने अपने दगना की अमान को मान लिया और हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को अमान दे दी। फिर इब्ने दगना से कहा कि अबू बकर को इसकी ताकीद कर देना कि अपने रब की इबादत अपने घर ही में कर लिया करें, जिस तरह चाहें नमाज पढ़ें और कुरान की तिलावत करें, लेकिन हमें इन चीज़ों की वजह से कोई एज़ा न दें और न इसका इजहार करें, क्योंकि हमें इसका डर है कि कहीं हमारे बच्चे और हमारी औरतें फ़ितने में न पड़ जाएं। इब्ने दगना ने ये बातें जब हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को सुनाई तो आप अपने रब की इबादत घर के अंदर ही करने लगे, न नमाज में किसी किस्म का इजहार करते और न अपने घर के सिवा किसी दूसरी जगह तिलावत करते। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने कुछ दिनों बाद ऐसा किया कि आपने अपने घर के सामने नमाज के लिए एक जगह बना ली। अब आप ज़ाहिर होकर वहाँ नमाज पढ़ने लगे और इसी पर तिलावत कुरान करने लगे। बस फिर क्या था, मुशरिकीन के बच्चों और उनकी औरतों का मजमा लगने लगा। सब हैरत और ताज्जुब की निगाहों से उन्हें देखते। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु बड़े ही रोने वाले थे। जब कुरान पढ़ने लगते तो आंसुओं पर काबू न रहता। इस सूरत हाल से अकाबिर मुशरिकीन कुरैश घबराए और सब ने इब्ने दगना को बुला भेजा। इब्ने दगना उनके पास आया तो उन सब ने कहा कि हमने तो अबू बकर को इसलिए अमान दी कि वो अपने रब की इबादत घर के अंदर ही करेंगे, लेकिन वो तो ज़्यादती पर उतर आए और घर के सामने नमाज पढ़ने की एक जगह बना ली है। नमाज भी सबके सामने ही पढ़ने लगे हैं और तिलावत भी सबके सामने करने लगे हैं। डर हमें अपनी औलाद और औरतों का है कि कहीं वो फितने में न पड़ जाएं, इसलिए अब तुम उनके पास जाओ। अगर वो इस पर तैयार हो जाएं कि अपने रब की इबादत सिर्फ अपने घर के अंदर ही करें फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें इससे इनकार हो तो तुम उनसे कहो कि वो तुम्हारी अमान तुम्हें वापस कर दें, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं कि तुम्हारी अमान हम तोड़ें, लेकिन इस तरह उन्हें इजहार और ऐलान भी करने नहीं देंगे। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि इसके बाद इब्ने दगना हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास आया और कहा कि आपको मालूम है वो शर्त जिस पर मेरा आपसे अहद हुआ था, अब या आप इस शर्त की हदूद में रहें या मेरी अमान मुझे वापस कर दें, क्योंकि ये मैं पसंद नहीं करता कि अरब के कानों तक ये बात पहुँचे कि मैंने एक शख्स को अमान दी थी लेकिन वो अमान तोड़ दी गई। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हारी अमान तुम्हें वापस करता हूँ, मैं तो बस अपने अल्लाह की अमान से खुश हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों मक्के ही में मौजूद थे। आपने फरमाया कि मुझे तुम्हारी हिजरत का मकाम दिखलाया गया है। मैंने एक खारी नमकीन ज़मीन देखी है जहाँ खजूर के बागात हैं और वो दो पथरीले मैदानों के दरमियान में है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इजहार फरमा दिया तो जिन मुसलमानों ने हिजरत करनी चाहिए वो पहले ही मदीना हिजरत करके चले गए, बल्कि बाज़ वो सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम भी जो हिजरत करके हबशा चले गए थे वो भी मदीना आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु भी हिजरत की तैयारियां करने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, जल्दी न करो, उम्मीद है कि मुझे भी जल्द ही इजाज़त मिल जाएगी। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, क्या आपको इसकी उम्मीद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ज़रूर। चुनाचा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे ताकि आपके साथ हिजरत करें। उनके पास 2 ऊँट थे, उन्हें 4 महीने तक वह बबूल के पत्ते खिलाते रहे। सही बुखारी हदीस नंबर 2297। लैस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्ने शहाब ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब किसी ऐसी मैयत को लाया जाता जिस पर किसी का कर्ज़ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि क्या इसने अपने कर्ज़ के अदा करने के लिए भी कुछ छोड़ा है? फिर अगर कोई आपको बता देता कि हाँ इतना माल है जिससे कर्ज़ अदा हो सकता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज़ पढ़ाते, वरना आप मुसलमानों ही से फरमा देते कि अपने साथी की नमाज़ पढ़ लो। फिर जब अल्लाह ताला ने आप पर फतह के दरवाज़े खोल दिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुसलमानों का ख़ुद उनकी ज़ात से भी ज़्यादा मुस्तहिक़ हूँ, इसलिए अब जो भी मुसलमान वफ़ात पा जाए और वो मक़रूज़ रहा हो तो उसका कर्ज़ अदा करना मेरे ज़िम्मे है, और जो मुसलमान माल छोड़ जाए वो उसके वारिसों का हक़ है। सही बुखारी हदीस नंबर 2298।